सरकार वालों हदायतों ने कि पराली ना सड़ा जाए जबकि इस खेत में चिबा के या गठा बना के चक पर इसके बावजूद ही किसानों वालों लगातार चलाई जा रही है की मजबूरी है सर यहाँ हल ही कोई नहीं हो रहा है जी जदों इन असी रीपर जा मार दूजा मार लें अभी तो ना तो तवियां लगदियाँ हैं ना कोई मशीन चलती है कुछ नहीं चलती जी जी साढ़ा भी दिल नहीं करता भी इन अग लाइए साढ़ा भी पहले सू धुआं आता साढ़े बच्चों को आता है साढ़े फेफड़े खराब होंगे कि बाद दिल्ली का बाद जाता है चंडीगढ़ बाद जाऊगा पहले साढ़े तो पैंता जी सर प्रशासन वालों लगातार कोशिशें की जाने कि किसानों को समझाया जाए उन्होंने टेक्नीक बारे दसाया जाए लगातार कैंप भी लगाए जाते हैं उसके बावजूद भी किसान जो बजट ने कि जी सर मजबूरी है जिमीदार की जिमीदार करू की जल वाल वेला रख ले मन पिया वेला हौली हौली भाई चलो ये गल जूगी पानी ना तो सरकार सर एक मिनट सरकार पैसा दे दे ठेका दे सू अभी लोड़ ही नहीं असं लाइन हाँ डी साहब आए दो एस एस पी साहब भी आए डी साहब भी आए हैं गठा का इंतजाम हो जाए जी कलिया खेला साड़न का हो जाए दो हल आर कोई हल नहीं कि मर्जी कोई कर लो जला कलिया खेला साड़ देन ओ चल जू कम जी मतलब गठा बन जाए जी होर कोई हल नहीं सर जा बिजली रही जमीन बस आ हल है पिछले कई दिनों तो सिविल प्रशासन पुलिस प्रशासन पिंडा विच दौरे कर रहा है करीब 100 से ज़्यादा टीमें पिंडा विच घूम रही है नोडल क्लस्टर ऑफिसर सुपरवाइजर्स आप ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों नू दसन कि पराली नू आग ना लगाइए तो काफ़ी सारे सुपर सीडर हैप्पी सीडर जिसके राही बिना पराली नू आग लगाए खेती हो सकती हैगी असी मुहैया करवाए हुए गए पंचायतों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नू बट एक गल जो सामने आ रही है कि कई लोगों ने रिपर मार के बेलर दे इंतजार में कि सेदा सिंह प्लांट या हुकूमत सिंह वाला प्लांट जिहड़ा बेलर्स राही बेल्स चुकता हैगा इन्होंने कई सारे ने बिना प्लानिंग किते बिना फाइनल प्लानिंग किते इन्होंने रिपर मार के इंतजार किया तो उन्होंने भी एक कपैसिटी हैगी उन्होंने जो कैपैसिटी फुल हो गई 2.25 लाख टन की हैगी जबकि अपने जिले में 7.5-8 लाख ना बंद करता जब एक बार रिपर ये मार दें कि उसके बाद में पराली को सामना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसके चलते सानू प्रॉब्लम आई है अगले साल लिए असी ये कोशिश करांगे कि पहले तो ही अग्रीमेंट होए किसानों नाल प्लांट वाले का ताकि उन्होंने ही चक्के जिन्हों का एग्रीमेंट हो बाकी लोग की रिपर ना मारन ताकि वो सुपर सीडर ते हैप्पी सीडर राही बिजाई करन सर कुछ किसानों वालों अपनी मजबूरियां भी गिनाई गई हैं जिन्होंने कुछ समझने की कोशिश की जा रही है या सरकार तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जी ये सारे इशूज़ साडे ध्यान विच हैगे मैं दसना चाहांगा सुनन वाले नू कि असी पिछले 3-4 दिन पहला तो ही जिहड़ी भी मशीन हैगी सुपर सीडर हैप्पी सीडर असी 5 एकड़ तो कट किसानों वालों नू फ्री करती हैगी मीनस जिहड़ा भी किसान सुपर सीडर राही बिजाई करना चाहता है अगर वो 5 एकड़ तो कट का मालिक हैगा वो फ्री में कर सकता हैगा एंड उसके फायदे भी हो रहे हैं कई जगह पे जिन्होंने करना सीखा वो कर रहे हैं मेन प्रॉब्लम रिपर दी आ रही है कि ते डिमांड है कि ज़्यादा प्लांट ऐसे लगन जो कि क्लीन ते असी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जिले विच भी अगले साल तो पहला एक और ऐसा प्लांट आए सेदा सिंह वाला जैसा जो उठा ले ते फिर भी मैं अपील करांगा कि अभी 5-6 दिन की होर बिजाई अभी टाइम हैगा जिले विच ते लोकी थोड़ा सा कोशिश करन कि जितना ज़्यादा खेत ना में आग ना लगान ते सुपर सीडर हैप्पी सीडर रहे बिजाई करें फरीदकोट जिले च कल 140 दे करीब जिहड़े हैगे स्थाना ते जिहड़ी अग लगनी पाई गई सी और हुण तक पिछले हफ्ते दे विच साडे वल्लों 30 दे करीब FIR दर्ज कर लिया गई हैं और इस तो इलावा हर एक थाने च एक पुलिस पार्टी जिहड़ी हैगी है वह सारे पिंडां विच जा रही है लोगों नू जागरूक किया जा रहा है अज गुरुद्वारे दे विच अनाउंसमेंट्स भी करवाईयां जा रही हैं ता कि लोग इस प्रॉब्लम तो जाणू होण ते इहनू घट तो घट जिहड़ा हैगा अग लगाण इस तो इलावा जिहड़े पराली दा जिहड़ा हल है ਉਹ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੇ ਘੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇਰੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।